लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मोदी ने रखा बेटी का नाम, फोन पर ही किया नामकरण मिर्जापुर। यूपी के मिर्जापुर जिले के रहने वाले एक किसान की बेटी का नामकरण खुद नरेंद्र मोदी ने किया है। किसान भरत और उनकी पत्नी विभा ने लेटर लिखकर पीएम से बेटी का नामकरण करने का अनुरोध किया था। मोदी ने फोन करके दंपति से बात की और उनकी बेटी का नाम वैभवी रखा। इसके बाद से भरत और उनका परिवार बेहद खुश है। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र में रहने वाली विभा सिंह को 13 अगस्त 2016 को बेटी हुई। विभा के पति भरत पेशे से किसान हैं। उन्होंने बेटी के नामकरण के लिए उसी दिन पत्र लिखा। उनका कहना है कि उस वक्त सोचा नहीं था कि इतनी तेजी से पीएमओ से जवाब आ जाएगा। पीएमओ से आया था फोन। भरत ने बताया कि 20 अगस्त को उनके मोबाइल पर 20 अगस्त की रात पीएमओ से फोन आया कि आप भरत सिंह जी बोल रहे हैं, आपसे प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ सेकेंड बाद मोदी जी की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने हालचाल पूछने के बाद बेटी का नाम वैभवी रखने का सुझाव दिया। विभा सिंह ने बताया कि जब उन्हें पति और पीएम की बातचीत का पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। क्या लिखा है लेटर में, मोदी के नामकरण करने के बाद उन्हें फिर से पीएमओ से फोन आया कि आपको प्रधानमंत्री जी का पत्र भेजा जा रहा है। उसके दो दिन बाद लेटर भी आ गया। 24 अगस्त को भेजे गए इस पत्र में लिखा है, प्रिय विभा जी एवं भरत जी, आपके घर में बेटी का आगमन हुआ है, आपको खूब बधाई। वैभवी के सपने आप पूरा करेंगे और वैभवी आपकी शक्ति बनेगी, ऐसी शुभकामनाएं आपका नरेंद्र मोदी। क्या कहती हैं वैभवी की मां विभा का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको बेटी होगी तो उसका नामकरण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। जब बेटी हुई तो उन्होंने पति भरत के साथ मिलकर मोदी को पत्र लिखा। मोदी द्वारा बेटी का नामकरण होने की बात जब उसने अपने गांव में बताई तो किसी को यकीन नहीं हुआ। जब मोदी का बधाई पत्र मिला तब जाकर ग्रामीणों को विश्वास हुआ। पूरे गांव में हो रही है प्रशंसा, पूरे गांव में पीएम के इस कार्य की प्रशंसा हो रही है। वैभवी के परिवार को लगातार लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं।